तुम्हारे YouTube चैनल में आपका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बोड़ा की सब्जी बनाने के लिए हमने ले लिया है बोड़ा। इसको हमने थोड़े बड़े पीस काट के तैयार कर लिया है और कटी हुई प्याज लिया है। प्याज के चार टुकड़े किए और उसकी सारी लेयर अलग कर ली है। और लहसुन को हमने बीच से फाड़ करके ले लिया है। अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। तड़के के लिए हमने लिया है जीरा। मसालों में हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार लेना है। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा चटकने लगे तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट जो हमने तैयार किया है और इसे हमें सुनहरा होने तक भूनना है। प्याज अच्छी से सुनहरी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर के साथ साथ हम मसालों को भी डाल देंगे ताकि मसाले और टमाटर साथ में पक जाए। मिर्ची डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज जो कि हमने सारी लेयर अलग की थी और लहसुन डाल देते हैं। इसको हमें बाद में ही डालना है ताकि एकदम से गले नहीं। इसके साथ साथ हम बोड़ा को डाल देते हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे। बोड़ा को हमें थोड़ी देर भूनना है, ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो नमक डालने से पानी छोड़ने लगता है तो सब्जी अच्छे से भुनेगी नहीं। नमक डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि बोड़ा पक जाए और हल्की सी ग्रेवी रहे, बहुत पतली ग्रेवी नहीं चाहिए। और इसको हम ढक देते हैं, थोड़ी देर पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसको चलाकर चेक करेंगे। बोड़ा अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसको हाथ से हम दबाकर चेक कर लेंगे। सब्जी को हम एकदम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें का पानी सूखे नहीं और ये धीरे धीरे से अच्छे से सब्जी पक जाए। सब्जी पक गई है और हम गैस को कर देते हैं बंद और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी आप इस तरीके से सिर्फ बोड़ा की सब्जी बनाएं, इसमें बिल्कुल भी आलू ना डालें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको। खा करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी सब्जी। इसमें हम धनिया डाल देते हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। आप इसे चाहे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन करके हमारी तैयार है। और इसमें जो हमने प्याज की लेयर ऐसे करके डाली है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और लहसुन का टेस्ट बीच बीच में आता है। ये सब्जी बहुत कम समय में पक कर तैयार हो जाती है क्योंकि इसमें आलू नहीं रहती है तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका टेस्ट एकदम अलग सा लगता है क्योंकि आलू नहीं है। कभी बिना आलू के ऐसी सब्जी बना करके देखें बोड़ा की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये सब्जी बनाते समय बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और बोड़ा को थोड़ा लंबाई में काटें, बहुत छोटे नहीं, और इसे धीमी आंच पर पकाएं और आलू ना डालें, तब ये सब्जी का टेस्ट देखिए कितना अच्छा लगता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।